नमस्कार किसान साथियों, बात कर लेते हैं बांग्लादेश प्याज निर्यात को लेकर कैसा माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। किसान साथियों, इस वीडियो में मैं आपको सही सटीक जानकारी के द्वारा बताऊंगा, क्योंकि किसान साथियों जो ओनियन एक्सपोर्ट रिपोर्ट है इस समय कैसा देखने को मिल रहा है, प्याज के माहौल अपडेट को लेकर बांग्लादेश में जो प्याज निर्यात हो रहा है उसकी स्थिति कैसी बनती हुई नजर आ रही है। तो चलिए किसान मित्रों, अब मैं आपको इस वीडियो में सही सटीक से बताऊंगा। अनुरोध है आपसे जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाले समय में हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए किसान साथियों, जान लेते हैं ओनियन एक्सपोर्ट रिपोर्ट की जो स्थिति है कैसी देखने को मिल रही है। किसान साथियों, खासतौर पर अगर बांग्लादेश ओनियन एक्सपोर्ट रिपोर्ट की बात करें तो इस समय काफ़ी हद तक बहुत ही धीमी गति से देखने को मिल रही है और निर्यात का असर इंडिया की मंडियों पर बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि इंडिया की मंडियों में जो भाव है काफ़ी हद तक धीमी गति से देखने को मिल रहे हैं। 1100 हाईएस्ट 800-900 की रेंज में प्याज बिकता हुआ नजर आ रहा है। तो इस समय लगभग 50 से लेकर 60-70-80 गाड़ियों के बीच में जो ओनियन एक्सपोर्ट रिपोर्ट है किसान साथियों, वो बांग्लादेश की तरफ देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश ओनियन एक्सपोर्ट रिपोर्ट का कोई भी असर अपने इंडिया के बाजारों पर नहीं देखने को मिल रहा है, भाव सामान्य स्तर पर ही देखने को मिल रहे हैं। किसान साथियों, स्थिति काफ़ी हद तक डाउन होती हुई नज़र आ रही है, फिर भी तेजी आने की संभावना बढ़ सकती है और आप अपनी फसल का जो निर्णय है अपने निजी विवेक के अनुसार लें। किसान साथियों,